सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के नावडीही में आज सुनील प्रताप गुप्ता होली खेलकर बिस्कोहर से अपने घर नावडीही जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे राहुल चौधरी, प्रमोद चौधरी, सरोज चौधरी, गोलू चौधरी ने मुझे घेर कर लाठी डंडो सरिया से हमला कर दिया। अगर गांव वाले ना आते तो मुझे जान से भी मारा जा सकता था। वहीं उनके भाई अजीत ने बताया कि मुझे भी मारा है, मेरी गाड़ी भी डैमेज कर दी है। अजीत ने शासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि क्या अजीत को न्याय मिल पाएगा। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनील। तो चोट कैसे लगी? चोट हमको मारे हैं सरोज, प्रमोद, राहुल, गोलू सब मिलके लाठी से और लाट सरिया लाट से मारे हैं। तो आप थाने पे एप्लीकेशन दिए? हाँ जा रहे हैं देने। मेरा नाम अजीत गुप्ता है। गांव कौन सा है? नावडी है। मामला कैसे क्या हुआ? मामला पुरानी दुश्मनी थी, उसके बाद में आज होली के समारोह में जो है हमारे छोटे भाई पे वार किया गया। पहले बिस्कोहर से घर जा रहे थे, गाड़ी भी डैमेज किया गया, ईटा पत्थर से वार किया गया, हमारे ऊपर भी वार किया गया। उसके बाद में सब 112 आया, मैंने DM को भी फ़ोन किया, उसके बाद 112 के नाम हम लिख के चले गए। उसके बाद में फिर जब मामला शांत हो गया, अकेले हमारे भाई को पाके सुनील गुप्ता को चार लोगों ने, सरोज चौधरी, प्रमोद चौधरी, गोलू चौधरी और राहुल चौधरी, इन लोगों ने मिल के राड और लाठी से वार किए हैं। सर यहाँ पे फट गया है, अब हम उचित कार्रवाई चाहते हैं।